सत श्री अकाल बच्चो बच्चो कल आपां कोणा बारे पढ़िया सी समकोण न्यून कोण ते अधिक कोण बारे। समकोण हुंदा 90 डिग्री दा, न्यून कोण हुंदा 90 तो छोटा, अधिक कोण हुंदा 90 तो वड्डा। ते अज मैं तुहानूं डी दी सहायता नाल कोण नूं मापणा सिखावांगी। बच्चो मैं देखिया कि तुसी बहुत कंफ्यूज हुंदे हो कि डी नूं किस तरह रख के किदां कोण नूं मापणा हुंदा है, तां अज मैं तुहानूं कुछ गल्लां याद रखण योग दस्सांगी। देखो ए कोण मापणा हुंदा आपां ओ ए ओ बी, तां डी दा शिखर केंद्र बिंदु हुंदा है ना, जिहड़ा डी हुंदी है ए अर्ध अद्धा चक्कर हुंदा है ना, तां इहदा केंद्र बिंदु ए बणिया होया होगा। छोटी डी दे उपर वी बणिया हुंदा तां जीरो लिखिया होया हुंदा शायद, ओह आपां देखांगे। इस नूं तुसीं इहदे शिखर उपर रखोगे, जिहड़ा इसका केंद्र बिंदु होएगा ना डी का, उसनों आप शिखर उपर रखांगे कोण दे। हुण बच्चों देखो तुसीं की देख रहे हो, जिहड़ा तां ए कोण दा डी दा पूरा विचकारला हिस्सा है ना, तां अद्धा हिस्सा डी दा इधर वल नूं जा रहा अपनी रेखाखंड वल नूं जा रहा है, या किरण वल नूं जा रहा है, किरण लगा लो। एक हिस्सा खाली है इधरों, इधरों डी वाला हिस्सा खाली हो गया ना, तां बेटा जिहड़ा हिस्से वल लाइन लगी होएगी किरण जां रेखाखंड होएगी उस सिरे तो जीरो चक्कनी है आपां। देखो जीरो इधर भी हैगी है, देखो जीरो 10 20 30 40 50 ते जीरो तुसीं ध्यान दे रहे होंगे इधर भी हैगी है जीरो 10 20 30। तां बच्चिआं नूं इह नहीं पता लगदा कि कीहड़ी जीरो देखनी है, ए वाली जीरो देखनी है या ए वाली जीरो देखनी है। तुसीं केंद्र बिंदु डी दे केंद्र बिंदु नूं शिखर दे उत्ते रख के कोण दे तुसीं देखोगे अद्धा हिस्सा तां डी दा भर गया लाइन वल जा रहा है, अद्धा हिस्सा इधरों खाली रह गया, तां भरे हिस्से वल आपां जीरो देखांगे। हुण इधर वाले हिस्से की जीरो कि है ए वाली, तो ए वाली जीरो तुसीं इत्थों लैके जाओगे जीरो 10 20 30 40 50 60 अपनी आ दूसरी रेखाखंड दूसरी किरण अपनी कित्थे आके रुकी है 60 ते। हुण बच्चे 120 भी लिखा होया है पर आपां जीरो इधरों शुरू की है ना, जिधर अपनी लाइन जा रही है ओ बी किरण जा रही है आपां उधरों जीरो शुरू की है नीचे वाली जीरो, तो यह किन्ने का कोण बन गया 60 का। बेटा 120 का कोण नहीं हैगा, यह 60 का कोण बनया, किन्ने का डिग्री का बन गया 60 डिग्री। उन्होंने किदा पावे उपर आए गोल बना के सज्जे हाथ, ऐसे तरह ही जो उल्टी दिशा में बनया हों। देखो हूँ दूसरी डायग्राम वाल आओ, हूँ अगर आप इस कोण में मापना है, हूँ तुम देखो भी डी कि किधर रख के किधर मापना है, उस तरह ही जो डी का केंद्र बिंदु है यह इनू आप शिखर से रखांगे बिल्कुल शिखर से। देखो बिल्कुल शिखर से रखिया, हूँ मैं तुम्हें उपर की समझाया सी जो डी का एक हिस्सा खाली हो गया, हूँ इधर हिस्सा खाली हो गया इधर लाइन जा रही है ना, तो अपन केड़ी जीरो देखांगे इधर वाली कि इधर वाली, जिधर वो लाइन जा रही बेटा वो वाली जीरो देखांगे। हूँ आप वाली जीरो देखांगे, हूँ ए जीरो जाती जाती कितने जा रही है जीरो 10 20 30 40 50 60 60 आ गया ना, हूँ ये अपना कोण 60 है 120 नहीं है, यह भी कोण अपना किन्ने का हो गया 60 डिग्री, तो 60 90 तो छोटा होंगे ना, तो यह कौन कोण बन गया न्यून, 90 तो छोटा जड़ा मर्जी हो 85 80 10 15 तो सारे की होंगे न्यून कोण। आओ बच्चे हो थोड़ी जी प्रैक्टिस आप होर कर लिए, हूँ देखो इस कोण नू मापना है ठीक है, तो किदा मापांगे आपां इहदा केंद्र बिंदु ए रहा इहनू रखांगे शिखर दे उपर, इहदे उपर रखिया तो हूँ देखो डी दा ए वाला हिस्सा खाली है इधर कोई लाइन नहीं जा रही, ए वाले हिस्से में चल ए लाइन जा रही है, तो आप केड़ी जीरो तो शुरू करांगे आ वाली जीरो तो शुरू करांगे कि ए वाली तो, ए तो नहीं, वेरी गुड, आप इस तो नहीं शुरू करते इतों शुरू करांगे, तो ए जीरो कितने तक लैके जा रही है देखो जीरो 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110। हम तुम देख रहे हैं बच्चो यह 110 तो थोड़ा जहा वध है, देखो किन्नी लाइन वध हो गया 110 वाली लाइन तो आ सी ठीक है, देख रहे हो इस तो बाद 111 112 113, तो यह कौन किन्ने डिग्री का हो गया 113 डिग्री का ठीक है। इसे तरह ही ए वाला कोण अगर मापना आपां तां इहदा केंद्र बिंदु आपां शिखर ते रखांगे बिल्कुल सीधा सीधा, हुण कीहड़ी साइड डी दी खाली है इधरली साइड खाली है इधर नूं लाइन जा रही है, तां आपां इधर वाला जीरो आ वाला जीरो देखांगे, ए वाला जीरो जांदा जांदा कित्थे जा रहा है बच्चो आ देखो, हुण इह 100 तो उपर है 110 तो नीचे, 110 पूरा नहीं ना होया तां आपां 100 तो गिनांगे किन्नियां लाइनां वध ने, आ 100 वाली लाइन होगी
ਇਹ 101 102 103 104 105 106 ਤੇ 107 ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਕੋਣ ਬਣ ਗਿਆ 107 ਦਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਦੋਨੇ ਕੋਣ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੋਣ ਤੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੋਣ 90 ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕੋਣ ਬਣ ਗਏ ਇਹ 90 ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕ ਕੋਣ ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਧਰਲੇ ਕੋਣ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੋ ਕੋਣ ਬਣਾ ਕੇ एक दा ए कोण बन रहा अपना ए नो ए रेखा खंड ते ए रेखा खंड नो मिला के एक कोण इधर बन रहा आवरी रेखा खंड नो ते आवरी रेखा खंड नो हुण आपां दोनों कोण मापणे ने इह किवें मापांगे कंफ्यूज हो जाओगे ना तुसीं भी केड़ी डी किवें रखनी है कित्थों शुरू करनी है केड़ा कोण मापणा है तां मैं तुहानूं दस्सदी हां जदों आपां ए कोण मापणा है तां इहदा केंद्र बिंदू शिखर ते रखांगे इस कोण दा शिखर तां इही है ना इत्थे रख्या बिल्कुल सीधा सीधा हुण डी इधरों खाली है इधरों परी हुई है तो आ वाली जीरो जी नीचे वाली जीरो इतों शुरू करा इतों जीरो शुरू होंगी होंगी कितने जा रही है इतों जीरो शुरू होंगी होंगी कितने जा रही है 90 से ठीक है तो किन्ने का हो गया कौन 90 का सम कौन हो गया इस तरह जो इनू मापांगे आपां तां केंद्र बिंदु नूं शिखर ते रख के हुण डी का आ वाला हिस्सा भर गया बच्चे हुण अपनी डी का ए वाला हिस्सा भर गया ना इधर खाली हो गया तो आप इधरली जीरो तो शुरू करांगे इधरली जीरो जाती जाती कितने जा रही है 90 ते आ गई देखो 90 ते आ गई ना इधरों जीरो जाती जाती 90 ते तो ए कोण भी किन्ने का हो गया 90 का ये दोनों कोण कौन हो गए सम कोण हो गए सम कोण बच्चो मैनू पूरी उम्मीद है कि तुहानू अज तो बाद डी नाल कोण मापण विच कोई दिक्कत नहीं आएगी कोई तुसीं गलती नहीं करोगे अज लई इन्ना ही थैंक यू।